बाकी चले जी, हमारे बड़े भ्राता भी यहीं रहेंगे कुछ दिनों तक, जब तक इनका इलाज प्रॉपर नहीं चलता है। रजत भाई बहुत बहुत बधाई यार, साथ में राजेश भाई भी अपनी बॉडी, ओ सॉरी मतलब, तो चलो ठीक है फिर, ध्यान रखो फिर, हैं पत्रकारिता करते हैं और मैं इनको मजाक में बोलता हूँ पोपटलाल, क्योंकि ये भी दुनिया हिला देते हैं। तो चलिए जी, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में, और जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम भैया को लेके देहरादून जा रहे हैं, आज के इस ब्लॉग में आपको दिखेगा कि हम देहरादून पहुंच गए हैं। तो अब हम पहले खाना खाते हैं, उसके बाद ये जो ब्लॉग है कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी एक ढाबे के पास पहुंच गए हैं, तो दिन का खाना खा लेते हैं। और जब भी हम कभी रिस्क देहरादून जाते हैं तो हम यहीं पर रुकते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो खाने का स्वाद है डबल है भाई। और यहाँ पे एकांत में झील दर्शन हो सकते हैं, झील के दर्शन भी कर सकते हैं आप एकांत में। बाकी मैं, संजू और भाई साहब खा रहे हैं खाना, और ये बंदा जो है ये मैगी खा के अपना जीवन यापन करना चाह रहा आज। अब मैं ऑफ कैमरा खाता हूँ मस्त करके। बाकी चलिए जी, टेस्टी खाना भी खा लिया है। और बाकी मुझे सबसे अच्छा यहाँ ये लगता है कि यहाँ पे जो झूला है मस्त कर इसमें झूला झूलते हैं। तो पिछली बार जब मेरे साथ अनीता आई थी तो वो भी मस्त करके झूला झूल रही थी। अब निकलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। और बाकी भैजी ने भी मैगी खा ली, भर गया पेट, हाँ टन साग है। भैजी को हमने बोला खाना खा, लेकिन भैजी ने बोला मैगी खाता हूँ, बोल ज्यादा हैवी नहीं पचा पाऊंगा। चलिए निकलते हैं यहाँ से मस्त करके। ड्राइवर साहब चले, तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी चंबा मार्केट में पहुंच गए हैं, और चंबा से जो ऋषिकेश की दूरी है लगभग 60 किलोमीटर है। तो चंबा से 200 मीटर आगे आने के बाद हम अभी एक जगह पे रुक गए हैं। बाकी भाई साहब का जो पॉल्यूशन डॉक्यूमेंट है एक्सपायर हो गया है, तो फिर से हम पॉल्यूशन चेक करा रहे हैं। तो चलिए जी, फाइनली जो गाड़ी का पॉल्यूशन डॉक्यूमेंट वो भी बन गया है। और बाकी चलिए जी, हम निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। और ठीक सामने पे है माँ कुंजापुरी देवी जी का मंदिर। आगे यहाँ से अब ऋषिकेश की दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं भद्रकाली मंदिर के पास में। यहाँ पर ही चेकिंग होती है, यानी कि जो भी गाड़ी ऋषिकेश से पहाड़ों की ओर जाती है और पहाड़ों से नीचे शहरों की ओर आती है, तो सबसे पहले भद्रकाली मंदिर के पास चेकिंग होती है। और बाकी हमारे साथ जो संजू आ रखा है वो यही ऋषिकेश में उतर जाएगा, और हमारे साथ यहाँ से अमन चलेगा देहरादून के लिए। और कल हम बारात के साथ ऋषिकेश में आएंगे बस स्टाफ के रूप में, यानी कि जो दुल्हन है वो ऋषिकेश की रहने वाली है। चलिए जी, फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए हैं। और देखो हमारा बेटा अमन सुबह आ गया था ऋषिकेश। हाँ जी, क्या हाल है? चार बजे बोल रहा, अभी आए 5 मिनट में। बाकी ये हमारे साथ देहरादून जाएगा शादी में, और बाकी संजू भाई यहाँ से अपने कमरे पे जाएगा। कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, छोटू आराम से चलाना बाइक है, पहली बार पकड़ रहा तू बाइक। और बाकी हमारे साथ यहाँ से अमन बैठ गया है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं देहरादून। ऋषिकेश से 2-3 किलोमीटर आगे आने के बाद थोड़ा हमें ठंडी हवाएं देखने को मिली है, नहीं तो भाई साहब ऐसे चल रहे ना यहाँ गर्मी से, क्योंकि सिर्फ हमें यही ज्यादातर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, लगभग समय अभी 7:30 बज रही है, और बाकी हमने संदीप के पापा को, हमारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, यानी कि राजेश बेटा है उसका यहाँ मकान है, तो हम वहाँ लेके आए हैं। और भाई साहब को यहाँ रखने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ से मेहंदी में। बाकी ये ठीक ऊपर से नीचे तक जो अपार्टमेंट है ये राजेश लोगों का है। तो एक बार आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत समय बाद आज जाके मेरे को टाइम मिला यहाँ आने का। अरे नहीं नहीं, ये आपकी मेहनत है भाई, मेहनत तो है पर अपनों का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपनों के घर में आए। यहाँ अभी बहुत सारा काम चल रहा है, दीवान बक्से बनाए जा रहे हैं, और भैजू को अब अंदर बिठा देते हैं, क्योंकि भाई साहब पूरे दिन भर गाड़ी में रहे तो थक गए हैं। बाकी चले जी यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करते, तो बाकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है अंदर का रूम। और यहाँ पे बैठने के लिए सोफा सेट लगा रखा है। ठीक सामने है किचन, और उधर एक रूम, और इधर साइड भी एक रूम। और यहाँ आते ही राजेश के छोटे भाई के दर्शन हो गए हैं, यानी कि ये है विजय भोगड़ा, पत्रकारिता करते हैं, और मैं इनको मजाक में बोलता हूँ पोपटलाल, क्योंकि ये भी दुनिया हिला देते हैं। ठीक है ना, इसके मेरे बचपन की बहुत दोस्ती है भाई, जब गांव में हम पढ़ते थे तो मजा आता था भाई। और विजय भाई ठीक है ना? अरे वाह। चले जी, लगभग रात की 9 बजने वाली है, और अब हम सब तैयार हो गए हैं,
अब हम जा रहे हैं यहाँ से जहाँ की आज मेहंदी है वहाँ चलते हैं। और यहाँ हमारे गांव से हर्ष भाई भी आ गए हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, पहली बार आ रहे शायद है। भाई साहब भी हमारे गांव से हमारे बड़े भ्राता हैं, देहरादून में जॉब करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी हम भोगड़ा बंधु हैं सब जाएं मिलके, क्यों? और साथ में राजेश भाई भी अपनी बॉडी मतलब शर्ट पहन रहे हैं। चले भाई, हाँ चलो तब। और बाकी चले जी, हमारे बड़े भ्राता भी यहीं रहेंगे कुछ दिनों तक, जब तक इनका इलाज प्रॉपर नहीं चलता है। ठीक है भाई जी, मिलता अगली बार, ठीक है? इस बार चल के आना गाँव में। तो चले जी निकलते हैं यहाँ से मेहंदी अटेंड करने। डांस तो होगा नहीं क्योंकि गांव की मेहंदी और शहर की मेहंदी में बहुत फर्क है। यहाँ तो टाइम के हिसाब से डीजे बंद हो जाता है, देखो ये भी टाइम के हिसाब से बज रहा है पीछे, अच्छा बंद। और बाकी गांव में तो ऐसा कि दो दो तीन तीन बजे तक नाच रहे थे। और बाकी यहाँ एक क्यूटी परी है जो कि राजेश की बेटी है। हाँ जी हेलो, क्या हाल है? हेलो, अरे रो रहे, अरे चलो चलो बंद करते कैमरा बंद। तो चलो ठीक है फिर, ध्यान रखो फिर। तो जितने भी भोगड़ा बंधु है सब निकल पड़े हैं मेहंदी मनाने के लिए। अरे वाह, तू क्या दिखा रहा बॉडी, चल चल ढंग चल। काफी अच्छा लगता है जब अपना परिवार सब साथ में चले। बाकी चलिए जी, फाइनली हम निकल पड़े हैं मेहंदी अटेंड करने के लिए। और हमारे भ्राता श्री आज बहुत लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा इस उम्र में, मानना पड़ेगा भाई साहब थक नहीं लग रहा भाई। तो फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ है भाई साहब मेहंदी का कार्यक्रम। रजत भाई बहुत बहुत बधाई यार। धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो रात के अभी 12 बज रही है और हमारे हेमंत भाई भी आ गए हैं दिल्ली से। हेलो भाई साहब, प्रणाम, क्या हाल है? तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से शाम की जॉब को अटेंड करने के बाद भाई साहब दिल्ली से यहाँ आ गए हैं। ये देखिए है वो निशान, ये वो निशान। तो भाई साहब 12 बजे के बाद लगभग 80% लोग चले गए और बाकी जो थोड़ा बहुत टेंट के अंदर दिखाई दे रहे हो हमारे गाँव के लोकल लोग हैं। और सभी लोगों ने खाना खा लिया और मैंने भी बहुत डांस कर लिया। उसके बाद हम निकलते हैं थोड़ी देर में घर। परदेसी मेरे यारा, वादा निभा दो मुझे, मुझे जान के।